नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है कमी का एहसास। एक प्रेमी युगल शादी से पहले काफी हंसी मजाक और नोक झोंक किया करते थे। शादी के बाद उनमें छोटी छोटी बातों में झगड़े होने लगे। कल उनकी सालगिरह थी, पर बीबी ने कुछ नहीं बोला। वो पति का रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। सुबह पति जल्द उठा और उससे बाहर निकल गया। बीबी रुआसी हो गई। 2 घंटे के बाद कॉल बेल बजी। वो दौड़ती हुई जाकर दरवाजा खोली। दरवाजा पर लिफ्ट और बकेट के साथ उसका पति था। पति ने गले लग के सालगिरह विश किया। फिर पति अपने कमर में चला गया। तभी पत्नी के पास पुलिस वाले का फोन आया है कि आपके पति की हत्या हो चुकी है। उन्हें जेब में पड़े पर्स से आपका फोन नंबर ढूंढ के कॉल किया। पत्नी सोचने लगी कि पति तो अभी घर में अंदर आए हैं। फिर उसे कभी पे सुनी एक बात याद आ गई कि मेरे हुए इंसान की आत्मा अपना विष पूरा करने एक बार जरूर आती है। वो दहाड़ मार के रोने लगी। उस अपना वो सारा सुमना लड़ना जगना नोट जोक याद आने लगा। उस पश्चाताप होने लगा कि अंत समय में भी वो ध्यान न दे सकी। वो बिलखती हुई रोने लगी। जब रूम में गई तो देखा उसका पति वहां नहीं था। वो चिल्ला चिल्ला के रोती हुई प्लीज कम बैक करने लगी, कहने की अब कभी नहीं जुग डूगी। तभी बाथरूम में निकल के उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख कर पूछा क्या हुआ। वो पलट के देखे तो उसके पति थे। वो रोती हुई उसके सीने से लग गई, फिर सारी बात बताई। जब पति ने बताया कि आज सुबह उसका पर्स चोरी हो गया था, फिर दोस्तों की दुकान से उधार लिया गिफ्ट। जिंदगी में किसी की अहमियत तब पता चलता है तब वो नहीं होता। हम लोग अपने दोस्त रिश्तेदार से नोक झोंक करते हैं, पर जिंदगी की करवटें कभी कभी भूल सुधार का मौका नहीं देती। हंसी खुशी में प्यार से जिंदगी बिताइए। नाराजगी को ज्यादा दिन मत रखिए। आज का दिन सफल हो, सफल हो, सफल हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।